अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सैयद ओएस हाशमी और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर सऊदी डेस्टिनेशंस के नाम से जानते हैं। अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपने यूजुअल स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में इंटरेक्ट करता हुआ नज़र आऊँगा, क्योंकि मैं सऊदी डेस्टिनेशंस के अंडर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सऊदी डेस्टिनेशंस इन अज़रबैजान। इस नाम से आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी इस सीरीज में आपके साथ अज़रबैजान के टूरिस्ट अट्रैक्शंस, वहाँ का कल्चर, वहाँ की हेरिटेज, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा ट्रिप स्टार्ट होगा 31 दिसंबर को। इंशाल्लाह ताला सुबह 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है और हम 12:30 बजे तक बाकू में लैंड करेंगे इफ़ एवरीथिंग विल बी एज पर प्लान। और फिर वहाँ से स्टार्ट होगा मेरा 10 दिन का ट्रिप जो कि अज़रबैजान के मुख्तलिफ इलाकों में होगा, लेकिन उन सारी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने अज़रबैजान को ही अपने इस इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्यों सिलेक्ट किया, उसकी क्या वजह थी। और अगर आप भी बाकू विज़िट करना चाहते हैं या अज़रबैजान के मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट करना चाहते हैं तो वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, अकोमोडेशन वहाँ पे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में वहाँ की जो मुख्तलिफ अट्रैक्शंस हैं, जैसे जैसे मैं उनको विज़िट करता जाऊँगा उसी सीक्वेंस से आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने अज़रबैजान को ही अपने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पे क्यों सिलेक्ट किया। तो जहाँ तक अज़रबैजान को सिलेक्ट करने की बात है तो मेरे जहन में 3 नाम थे जब मैं अपना ये ट्रिप प्लान कर रहा था। पहले नंबर पे जॉर्जिया था, उसके बाद टर्की का प्लान था और थर्ड प्लेस पर अज़रबैजान था। जॉर्जिया जो कि आप सबको पता है कि गल्फ में रहने वालों के लिए यूजुअली वो ऑन अराइवल वीज़ा आपको देता है। सबसे बड़ी टेम्पटेशन जो थी वो ये थी कि उसका ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है, लेकिन जॉर्जिया के साथ जो दूसरे इश्यूज थे वो ये थे कि जॉर्जिया जाने के लिए आपको अपनी इकामा की ट्रांसलेशन करवानी है और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना है, जो तकरीबन एडिशनल आपके 150 to 200 रियाल्स जिसमें लगते हैं। टर्की का इस वजह से प्लान नहीं कर सके, अगर टर्की का हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। उसमें भी वीज़ा की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, वीज़ा अप्लाई करना और वहाँ का वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल है अज़रबैजान के मुकाबले में। अज़रबैजान बहुत ही स्मूथ प्रोसेस और बहुत ही आसानी के साथ, इवन अगर आप पाकिस्तानी हैं या और दूसरी कंट्रीज हैं तो आप चेक कर सकते हैं उनके वीज़ा पोर्टल पे कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सिर्फ अपने पासपोर्ट के साथ $25 में विदिन 2 डेज अज़रबैजान का वीज़ा ले सकते हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे अपनी पिक्चर्स लगानी हैं, अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट लगाना है, $25 की पेमेंट करनी है और विदिन 2 डेज यू विल गेट द वीज़ा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना इकामा या जो भी आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट करवाने की। सिंपली आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो कि यूजुअली पासपोर्ट होता है और विदिन 2 डेज यू विल गेट द वीज़ा, 2 वर्किंग डेज। सिंपलेस्ट वीज़ा प्रोसेस के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया वो थे अज़रबैजान के नेचुरल वंडर्स और वहाँ का हेरिटेज। नेचुरल वंडर्स की बात की जाए तो दुनिया के ऑलमोस्ट 50% मड वॉल्केनोज अज़रबैजान में पाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ के 5 टेम्पल्स और यनार दाग, दैट्स अनदर नेचुरल वंडर इन अज़रबैजान। तो इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं, कैंडी माउंटेन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस तरह की कुछ साइट्स हैं जिसने मुझे अट्रैक्ट किया जॉर्जिया के मुकाबले में अज़रबैजान की तरफ। तो ये थोड़ी सी वजूहात हो गई कि मैंने अज़रबैजान को क्यों सिलेक्ट किया।
अब अगर बात की जाए होटल्स की, तो सबसे आसान तरीका होटल बुकिंग का जो है वो ऑनलाइन होटल बुकिंग का है। आपको जो भी साइट अच्छी लगती है जहाँ से आप यूजुअली होटल्स बुक करते हैं, उस वाली वेबसाइट से आप होटल बुक करें। booking.com हो गई, Agoda हो गई, या कोई भी दूसरी जो आप प्रेफर करें। लेकिन एक टिप है मेरी, वो ये कि क्योंकि अजरबैजान में अक्सर ऐसा होता है कि आपने होटल बुक किया ऑनलाइन, और अगर जिस दिन आप वहाँ पहुँचे उस दिन वहाँ टूरिस्ट का ज़्यादा रश होगा, अगर पीक सीज़न हुआ, तो वो आपका होटल ज़्यादा प्राइस में किसी दूसरे टूरिस्ट को भी दे सकते हैं। तो बेहतर है कि फ्री कैंसिलेशन वाले दो होटल्स आप बुक कर लें, एक एज अ बैकअप और दूसरा आपका मेन होटल। एक और टिप जो है वो ये है कि वहाँ जाने से पहले आप होटल वालों से कोऑर्डिनेट कर लें मैसेजेस पे। जिस भी वेबसाइट के थ्रू आप होटल बुक कर रहे हैं उस पर मैसेजेस का ऑप्शन होता है, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ और मेरा होटल रेडी है या नहीं है। तीसरी टिप होटल से मुतालिक, स्पेशली फॉर बाकू, आपने होटल बुक करना है सिटी सेंटर में, और सिटी सेंटर से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप करें इसे इशर शहर में। इशर शहर बाकू का जो ओल्ड सिटी है वो है, और ओल्ड बाकू की जो जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे इशर शहर के अंदर ही मौजूद हैं। तो उसके लिए आपको कोई टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी या आपको कोई गाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन आप इशर शहर में गुजारें, आपको किसी टूर ऑपरेटर या टूर एजेंट की ज़रूरत नहीं है, टैक्सी नहीं करनी, थोड़ा वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन आप पूरा इशर शहर एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें कारपेट म्यूज़ियम, हाईलैंड पार्क और लिटिल वेनिस भी शामिल है, वो भी इशर शहर के बहुत करीब है। तो ये बात हो गई हमारी होटल्स की। अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। तो अगर तो आपका प्लान सिर्फ बाकू सिटी के अंदर रहने का है, तो सबसे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन जो हो सकती है वो है बोल्ट। बोल्ट जैसे ओबर और करीम है, इसी तरह से बोल्ट है। आप बोल्ट हायर कर लें, वो सबसे चीप है, इकोनॉमिकल है, उसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। उनके साथ बस इशू ये होता है जो अभी तक मुझे पता चला है, लैंग्वेज का, क्योंकि ज़्यादातर असरीज जो हैं वो इंग्लिश नहीं जानते, तो उनके साथ आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी कोई मसला नहीं है, आप बोल्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बाकू से बाहर जाना है, लेट्स से मड वॉल्केनोस हो गए, या आपको गबाला, शेकी, इस तरह की दूसरी सिटीज़ में ट्रैवल करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप किसी भी ग्रुप पर अपनी क्वेरी डालें कि आपको ड्राइवर की ज़रूरत है, अपनी इटिनरी डालें वहाँ पर कि कौन कौन सी लोकेशन आपने एक्सप्लोर करनी है, और बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। उसमें आप देखें कि कौन आपके लिए सबसे बेहतर है, उससे आप उसको आप बुक कर सकते हैं। मैंने किसको बुक किया है, वो एक पाकिस्तानी भाई थे हमारे, आसिम भाई। उन्होंने मेरी पोस्ट पर मुझे कमेंट किया था, और फिर उन्होंने मुझे एक ड्राइवर का बताया जो है, तो अजरी शाहीन नाम है उसका, और लेकिन वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है। तो उसको मैंने बुक किया अपने पूरे इंटायर 10 डेज ट्रिप के लिए, एक्सेप्ट फर्स्ट डे इन बाकू। तो और वो बंदा शाहीन, उससे जब मेरी बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि वो 17 साल से वहाँ पे टूर ऑपरेटर का ही काम कर रहा है। तो होपफुली ही वुड प्रूव हिमसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट टूर ऑपरेटर्स। तो आप किसी प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर को हायर करने के बजाय इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें खानों की, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के साथ ख़ास तौर पे ये एक बड़ा मसला है कि अपने सिटी में या अपनी कंट्री में रहते हुए तो हमें बाहर के खाने खाने होते हैं, चाइनीज़ और इटालियन और ये सब कुछ,
लेकिन जब हम किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो हमारा एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहला कंसर्न जो होता है वो होता है खाने का, कि हमें लोकल देसी खाना कहाँ मिलेगा, देसी फूड। तो भाई बाकू में देसी फूड का कोई मसला नहीं होगा, बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। तो मैं जब वहाँ जाऊँगा तो उसके बाद आपके साथ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन निज़ामी स्ट्रीट पर और सिटी सेंटर में आपको बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरे सिटीज़ हैं जो मैंने एक्सप्लोर करने हैं, जैसे कुबा हो गया या कबाला, शेकी, उन जगहों पे भी मैंने कुछ छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स देखे हैं जो मार्क करके रखे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में मैं भी आपको कोई फीडबैक नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता कि वो कैसे होंगे, उनका टेस्ट किस तरह का होगा। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ जाने के बाद जो मैं अपनी बाकी की वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयरलाइन टिकट्स। तो भाइयों, सऊदी अरेबिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लायनास इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट होती है, 4 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट है और काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। मैंने 31 दिसंबर को ट्रैवल करना है और मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली थी 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को, वो सब मुझे टिकट मिली थी तकरीबन 1400 सऊदी रियाल की। तो अगर आप सऊदी अरेबिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ फ्लाइनास, और अगर फ्लाइनास की टिकट नहीं मिलती तो मेरे ख्याल से एयर अरेबिया या फ्लाई दुबई भी वहाँ जाती है, सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। और अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो पाकिस्तान से आई कैसे भी पाकिस्तान पी आई ए ने अपनी फ्लाइट स्टार्ट की है बाकू के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, इवन नवंबर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने ट्रैवल करने से पहले जिन जिन जगह सिटीज का आपका प्लान है हर जगह का के वेदर अपडेट्स आपने ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि बाकू ओवरऑल अजरबैजान में गांजा और लनकार्न के अलावा बाकी जितनी सिटीज़ हैं हर जगह पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है सर्दियों में। जैसे अभी मैं कुबा जिस दिन ट्रैवल करूँगा तो उस दिन वहाँ पर मिनिमम -7 डिग्री सेंटीग्रेड होगा रात में, और दिन में भी वहाँ पे जो अभी टेम्परेचर आ रहा है 2 जनवरी का वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो भाई आपने वेदर अपडेट्स ज़रूर चेक करनी है, किस दिन बारिश है, किस दिन बर्फबारी है। अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी या नवंबर में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ, और उसी मुनासिबत से आपने अपने कपड़े रखने हैं, क्योंकि अगर आपने वो कपड़े नहीं रखे तो शायद आपकी मम्मीफाइड जो है ना बॉडी वापस आएगी, वहाँ इतनी शदीद ठंड होती है। और अगर आप समर में जा रहे हैं तो समर में इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रेन फॉरकास्ट चेक करनी है और फिर उसके हिसाब से रेन सूट, रेन कोट और अम्ब्रेला वगैरह अपने साथ रखनी है। तो अब तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह ताला 2 दिन में मुझे ट्रैवल करना है अजरबैजान, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होंगी जगहों से मुतालिक और बाकी की जो टिप्स होंगी वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस सीरीज़ को फॉलो करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं, जो कि मुझे इम्प्रूव करने में यकीनन बहुत मदद देंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।